गुड मॉर्निंग दोस्तों, नए ब्लॉग में आपका स्वागत है और इस शानदार व्यू के साथ ये ब्लॉग हम शुरू कर रहे हैं। ये जयपुर का व्यू और जयपुर में मानसरोवर का व्यू, और मानसरोवर में आज ये ब्लॉग जयपुर चौपाटी भी हो रहा है। आइए मैं आपको दिखाता हूँ, आगे चलते हैं। ये जयपुर हाउसिंग सोसाइटी की बिल्डिंग है और ये यहाँ का व्यू, और ये मेरे सामने जयपुर चौपाटी, और यदि इधर हम देखें तो ये बड़ा सा पार्क जो जयपुर हाउसिंग सोसाइटी के फ्लैट्स हैं उसी का, गवर्नमेंट के द्वारा मेंटेन बहुत बड़ा पार्क। और ये यहाँ का व्यू है, ये यहाँ पूरी पार्किंग है चौपाटी और पार्क के लिए, और ये कुछ खाने पीने की यहाँ पर स्टॉल्स आपको मिल जाती हैं। तो आइए आगे अंदर चलते हैं और देखते हैं चौपाटी को। राजस्थान आवासीय मंडल, राजस्थान आवासीय मंडल, राजस्थान हाउसिंग बोर्ड, ये फ्लैट, और इसके साथ में ये चौपाटी। द्वारकादास पार्क मानसरोवर, राजस्थान हाउसिंग बोर्ड का, और ये अंदर का व्यू। द्वारकादास पुरोहित के नाम से ये पार्क, और ये पूरी हाउसिंग सोसाइटी का पार्क, बड़ा सा पार्क। और यदि हम इधर घूम के देखें तो ये पूरा इसका व्यू। पार्क के बिल्कुल सामने ये चौपाटी। ये चौपाटी का व्यू पूरा पार्क के गेट के सामने से लिया गया, बहुत ही शानदार और खूबसूरत व्यू। ये जयपुर चौपाटी का मेन फ्रंट व्यू, और ये इसके सामने से पार्क और सामने का व्यू। सामने बैठने के लिए बेंचें लगी हुई हैं, और ये सामने बाईपास और एयरपोर्ट को जाता हुआ रोड, और ये यहाँ का पूरा शानदार व्यू है। तो दोस्तों, इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने पूरा वीडियो देखा। इस व्यू के साथ इसका एंड करते हैं। यदि चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करके जाएं। अगले ब्लॉग में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक आप अपना और अपनों का ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।